एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला अरबी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने इस साइज़ की अरबी ली है, इसको हम कुकर में डालेंगे और इसको एक सीटी लगाएंगे। इसमें हम उतना ही पानी डालेंगे जितना कि अरबी डिप हो जाए, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए, अभी हम इसमें इसको ढक्कन लगा के एक विसल आने तक का वेट करेंगे। ये देखिए, और इसका स्टीम निकलने के बाद ही हम इसे खोलेंगे। अगर हम इसको जल्दी खोल देंगे तो अरबी अच्छे से गलेगी नहीं। ये देखिए, अब इसको हम अलग से निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे अलग कंटेनर में निकाल के। ये देखिए, हमारी अरबी अच्छे से पक गई है, सॉफ्ट हो गई है। अभी हम इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद अच्छे से पील कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी अरबी गल गई है। अभी हम इसको सबको अच्छे से पील कर लेंगे। ये अभी हमने सब अपना अरबी को पील कर लिया है। अभी हम इसको ऐसे काटेंगे। आप इसको चाहे तो राउंड शेप में भी काट सकते हैं, कैसे भी काटिए, बट ये लंबे में काट के थोड़ा ज़्यादा लुक वाइज और अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने इसको ऐसे चार भाग में काट रही हूँ। और दूसरी साइड मैंने पैन लिया है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सरसों के तेल में बनाने से इसका अलग ही फ्लेवर आता है। तो इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन और सरसों का तेल इसके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है हींग। अगर आपके घर में सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हम इस मसाले को अच्छे से पकाएंगे लो फ्लेम पे ताकि ये जले नहीं। थोड़ा सा इसको पकने के बाद हम इसमें जो हमने बॉईल अरबी है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से नाइस मिक्स देंगे। देखिए, ये थोड़ी सी हमारी अरबी जैसे चिपचिपी हो जाती है, कभी स्टिकी स्टिकी सी बनती है, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर, जिससे कि जो इसकी ये स्टिकनेस है, चिपची और चिपचिपापन है, वो चला जाता है। ये देखिए, अब हम इसको ढक्कन डाल के 3 मिनट तक पकाएंगे ऑन लो फ्लेम। आफ्टर 3 मिनट्स हम इसको अच्छे से पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको दूसरी साइड से हम फिर से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ढक्कन डाल के। आफ्टर 3 मिनट्स ये देखिए, हमारी अरबी अच्छे से रेडी है, बन के एकदम अच्छे से पक गई है। ये देखिए, अब हम सब करेंगे और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी लगती है अगर आप इस तरह से इसको बनाएंगे। इसमें प्याज टमाटर कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्राई मसाले और अरबी, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you.